अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, नौजवान के प्रोग्राम नई टई से गड मो मेज़बान लतीफ़ गाद। व्यूअर्स असा इन पैं प्रोग्राम जरिए तक मुख्तलिफ़ वक्तन अकेडमिक प्रोग्राम डेखारा नौजवान के इशूज़ के हवाले से जो गाल बोल कई है उन गोग अस पिण कोशिश रही है सिंध जहा आला तलीमी इदारा जिते मुख्तलिफ़ इंट्री टेस्ट थन्दून जिते शागिर्द पैं मुस्तबिल जहा ख्वाब खड़ी अची पहुँचा उन हवाले से अस अक्सर कर इंजीनियरिंग मेडिकल ए जनरल यूनिवर्सिटीज उन इंट्री टेस्ट डेखारियन तो उन तरीक़ेकार हों की टेस्ट थन्दून पर अजो के प्रोग्राम में अस मौजू की चूंड कई है आर्ट की इंट्री टेस्ट तं कर अज अस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्ट एंड डिजाइन मेहरान यूनिवर्सिटी में मौजूद आयो जिते पेरों भेरो प्रोग्राम जरिए अस आर्ट की इंट्री टेस्ट डेखारे रहा हूं। तो आर्ट की इंट्री टेस्ट है आर्ट जो शोबो असाजे समाज से किए वागल है आर्ट के शोबे की असाजे समाज में केतरी अहमियत है आर्ट जो शोबो बाहरी दुनिया में केतरी अहमियत रखे तो इतने जो टेस्ट थी रही है उनमें चार डिपार्टमेंट्स हैं कम्युनिकेशन डिजाइन है टेक्सटाइल डिजाइन है फाइन आर्ट है आर्किटेक्चर शोबो है इन शोबन की असाजे समाज में केतरी अहमियत है जो नौजवान इतना पास आउट थी निकरन था तो उनको मुस्तबिल है उन जॉब अपॉर्चुनिटीज कड़ियन फील्ड में रही हु कौम ए मुल्क की कड़े नमूने खिदमत कर सकता आर्ट की इंट्री टेस्ट जहाँ कड़े नमूने बी मेडिकल इंजीनियरिंग जनरल यूनिवर्सिटीज जो टेस्ट हैं उन्होंने क्या डिफरेंट है इन हवाले से असा पैं अज के प्रोग्राम में गाल बोल कंदासी असा कोशिश कंदासी तो इंट्री टेस्ट में जो शागिर्द शागिर्दियाणी सिंध के पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकन में इतने कही आया उन्होंने गाल बोल क्यों तो इतने कड़ा ख्वाब खड़ी आया उनके वालदेन से गाल बोल क्यों तो पैंकी औलाद ला के सपना दिसन था इतने जो इंतजामी अमलदार हैं उन्होंने भी गाल बोल क्यों तो उन्होंने शागिर्दन के इंट्री टेस्ट ला के इंतजाम क्या कड़े नमूने इंतजाम क्या उन इंतजाम के बेहतर बनाने ला उन्हें कड़ी एफर्ट्स वरतू हैं इन हवाले से असा पैं अजो प्रोग्राम रखो है अचो तो प्रोग्राम के सिलसिले के शुरू क्यों ए मुख्तलिफ़ इतने नौजवान शागिर्द शागिर्दानी उन्हें वालदेन ए इंतजामी अमलदार हैं उन्होंने गाल बोल क्यों इन प्रोग्राम जरिए सिंध के मुख्तलिफ़ शहर में रहंदड़ जो नौजवान हैं उन्होंने भी दिखारियूँ तो उन्होंने ला जिंदगी में केतनों केतनों अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं इंजीनियरिंग मेडिकल जनरल यूनिवर्सिटीज MBA CSS उन हटी कर भी बया जो मौजू हैं बहुत जो फील्ड्स हैं उनमें उनको केतो स्कोप है वो जैसे कें फील्ड में कोन था थन तो उन्होंने अपॉर्चुनिटीज हैं जो मायूस थे बदर पैं मुस्तबिल अगत विखू वधाए सकन अचो तो प्रोग्राम के सिलसिले के बाजाबा तौर शुरू क्यों। व्यूअर्स इतने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्ट एंड डिजाइन मेहरान यूनिवर्सिटी में अज जो आर्ट के मुख्तलिफ़ शोबन के हवाले से एंट्री टेस्ट थी रही है उतने एक शागिर्दानी असा सा गड है जहाँ पैं मुस्तबिल ख्वाब खड़ी इतने आई है अचो तो इन गाल बोल क्यों इन पुछू था तो हि कड़े सब्जेक्ट ला कड़ी फील्ड ला इतने आयु हैं मुस्तबिल जहाँ ख्वाब हैं जी अपना तारुफ कराएं। मेरा नाम फायजा है और मैं यहाँ हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मैं आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट में टेस्ट देने के लिए आई हूँ और मैंने इस वजह से आर्ट की फील्ड इस वजह से चुनी क्योंकि हर कोई जा रहा है इंजीनियरिंग में कोई इधर जा रहा है बंदे को आर्ट आर्टिस्टिक होना चाहिए आर्टिस्टिक जो है वो अपने माइंड के होते हैं तो इसीलिए मैंने कहा मैं आर्ट आर्किटेक्चर हूँ। हम जो आपने जो बात की है बिल्कुल उससे सहमत हैं जो बंदे का दिल चाहिए जहाँ बंदे का माइंड हो वही चीज़ चूज करनी चाहिए मगर अक्सर स्टूडेंट्स या अक्सर पेरेंट्स ये भी चीज़ देखते हैं कि मार्केट वैल्यू देखते हैं कि मार्केट के वैल्यू के हिसाब से वो इंजीनियरिंग मेडिकल की सिलेक्शन करते हैं। आपके जहन में ऐसा कोई ख्याल नहीं आया कि आपने आर्किटेक्चर की ही सिलेक्शन की? नहीं, मेरे दिमाग में ऐसा नहीं आया क्योंकि ऐसे ही बचपन से ही मेरा ये शौक था बिल्डिंग्स जब मैं देखती थी तो मेरा शौक था कि अब बिल्डिंग्स कैसे बनती हैं तो उसको उसकी प्रैक्टिस के लिए तो मैंने कहा कि मुझे आर्ट चूज करना चाहिए। अच्छा, आर्किटेक्चर में आपके कौन कौन सी बिल्डिंग्स हैं जो आपने देखी हो आप इम्प्रेस हुई हो या मुस्तकबिल में आप क्या सोचती हैं कि मैं क्या बनाना चाहती हूँ ऐसे कोई प्लान्स हैं आपके जहन में जो पास्ट में देखा हो और जो फ्यूचर का सोचती हूँ? मैंने सबसे अच्छी बिल्डिंग जो है वो मक्का मुकर्रमा की देखी है वहाँ की जो बिल्डिंग जो बन रही है मैंने लाइव देखी है उसको तो इसीलिए मैंने कहा कि सबसे बेस्ट बिल्डिंग यहाँ जब बन रही है इतनी जबरदस्त तो फिर हम क्यों नहीं खुद कर सकते। अच्छा, ये जो आप इंट्री टेस्ट देने आई हैं आज आपने कौन कौन से सब्जेक्ट्स की तैयारी की है और कितनी उम्मीद है अपने फ्यूचर के हवाले से? मैं अच्छी उम्मीद के साथ आई हूँ यहाँ पे और मैंने मैथ्स इंग्लिश और ड्राइंग की बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है ड्राइंग मेरी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। अच्छा, तो अगर आप इधर आर्किटेक्ट बन जाती हैं एक अच्छी मैंने आर्किटेक्ट बन जाती हैं डिग्री भी ले जाती हैं तो आपने अपने कौम के लिए अपने मुल्क के लिए क्या सोचा है कौम की मुल्क की खिदमत कैसे करेंगी आप? मैं अपनी कौम की मुल्क की खिदमत इस तरह से करूंगी कि मैं जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते ड्राइंग की तो मैं उनको प्रैक्टिस दूंगी अपनी तरफ से। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज मनाहर एंड मैं जो है खास डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ और मेरी जो चॉइसेज हैं वो टेक्सटाइल डिजाइनिंग है और आर्किटेक्चरिंग है। टेक्सटाइल मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि टेक्सटाइल में न्यू इन्वेंशन आए हमारा जो सिंधी कल्चर है
इसे मैं बहुत आगे तक लेके जाना चाहती हूँ, सिंधी अजरक और टोपी, उसके ऊपर जो है न्यू इन्वेंशन, न्यू काम हो, ताकि जो बाहर की दुनिया वो हमारे कल्चर को पहचाने कि हमारा कल्चर कितना इनोवेटिव है और यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं, और मतलब क्या उनका मतलब फ्यूचर, इनकी हिस्ट्री जो है, पास्ट हिस्ट्रीज है, वो जो है आगे आए। अच्छा, जैसे आपने कहा कि आप टेक्सटाइल डिज़ाइनर बनना चाहती हैं, मुख्तलिफ कल्चर्स पे काम करना चाहती हैं। देखिए, हमारे पास पाकिस्तान में मुख्तलिफ कल्चर्स के लोग मौजूद हैं, गिलगित बल्तिस्तान भी है, सिंध भी है, बलोचिस्तान भी है, पंजाब भी है, KPK है, तो आप जो है इन डिफरेंट कल्चर्स को कैसे देखती हैं अपने पर्सपेक्टिव में? मैं पर्सपेक्टिव में देखती हूँ कि पाकिस्तान एक कलरफुल कंट्री है, यहाँ पे सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, मतलब हर चीज़ का कलर, जब ये सब कलर्स साथ मिल जाएं, सिंध, पंजाब, तो वो एक अच्छा इन्वेंशन प्रोड्यूस कर सकता है। तो बस मैं यही दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ पे कितना अच्छा कल्चर है, और यहाँ के लोग जहाँ पे वैसे जो आउट ऑफ कंट्री हम लोगों को बहुत बुरा समझा जाता है एक तरह से, बट मैं उन्हें दिखाना चाहती हूँ कि हमारे अंदर बहुत टैलेंट है और हम लोग एक टैलेंट पाकिस्तान को बिलोंग करते हैं। टेक्सटाइल डिज़ाइनर में आपसे पूछूंगा कि हमारे चले दूसरे कल्चर्स को छोड़ते हैं, सिर्फ दो कल्चर्स को ही लेते हैं, सिंध के कल्चर को लेते हैं, पंजाब के कल्चर को लेते हैं, उनकी क्या ड्रेसिंग्स देखती हैं, उनमें आप कौन सी जिद्दत, कौन सी न्यू थिंग्स लेना चाहती हैं, इंट्रोड्यूस कराना चाहती हैं? जी, सिंध के अंदर जो जाहिर सी बात है हमारी सकाफती, जैसे हम अजरक और टोपी को ज़्यादा मतलब मेन में रखते हैं, तो उसके अंदर जो हम अगर काम करें अच्छा से अच्छा, मतलब हैंडवर्क जो हो गया है, सिंधी पीपल मतलब वो हार्ड वर्किंग है, तो वो वैसे ही हमारा न्यू इन्वेंशन है, और ज़्यादातर आजकल सपोर्टिव जो है सिंधी कल्चर को दिया जा रहा है एक तरह से, और बाकी जो है पंजाब है, तो पंजाब का भी कल्चर बहुत रंग मीन्स रंग कलरफुल से भरा हुआ है, बसंत टाइप जो है, तो उसके अंदर भी काफ़ी अच्छा काम हो सकता है, तो दैट्स वाई जो है लोग हैं ज़्यादा सिंध और पंजाब को सपोर्ट करते हैं। वीर सवेरे असां जिन शागिर्दनि खां इंटरव्यू वरितासीं, उहे एंट्री टेस्ट जे ॿाहिरां मौजूदु हुया कतारुनि में, जेके अंदरि दाख़िल थी रहिया हिन वक़्तु समूरा शागिर्द एंट्री टेस्ट वारे ग्राउंड में अची चुका आहिनि। अचो त हिते जेके शागिर्द वेठा आहिनि, अञा एंट्री टेस्ट शुरू थियण में कुझु वक़्तु आहे, त उन्हनि शागिर्दनि खां पुछूं था, जेके शागिर्द हिते पंहिंजे मुस्तक़बिल जा ख़्वाब खणी आहिनि, त उन्हनि जा कहिड़ा कहिड़ा ख़्वाब ऐं कहिड़ा कहिड़ा प्लान्स आहिनि। अचो त मुख़्तलिफ़ शागिर्दनि सां ॻाल्हि ॿोल कयूं। अच्छा यूसुफ रज़ा, आप यहां जो एंट्री टेस्ट देने आए हैं, तो किस सब्जेक्ट के लिए आपने आप एंट्री टेस्ट दे रहे हैं, और आपके जो है फ्यूचर एम्बिशन, फ्यूचर प्लान्स, मुस्तकबिल के ख्वाब कौन से हैं, कैसे हैं? फर्स्ट प्रायोरिटी आर्किटेक्चर है, उसके बाद कम्युनिकेशन, एंड आई होप इनमें से किसी में एडमिशन हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, आर्किटेक्चर जो सिलेक्शन की है वो कैसे की है, किसी ने बताया है, या आपने अपना आपका जो है शौक है, और आर्किटेक्चर में क्या करना चाहते हैं? मेरा बचपन से इंटरेस्ट आर्किटेक्चर में रहा है, और मेरी जो सिस्टर है वो एक स्टूडेंट है सीएट की, इसी ऑर्गेनाइजेशन के, तो इसलिए। अच्छा, तो आर्किटेक्चर में आपके क्या ख्वाब है, आगे चल के क्या करेंगे? आर्किटेक्ट ठीक है, बन गए आप, आर्किटेक्चर में क्या करेंगे आप? आई वुड लाइक टू रिवाइव द आर्किटेक्चर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के आर्किटेक्चर के लिए कुछ करना चाहूंगा। सनाउल्ला कुरैशी नालो, मैं हैदराबाद बेसिकली नौशर फरोजिया इतने आया हूँ आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग में, छो देने करे तो आर्किटेक्चर मुझे फेवरेट सब्जेक्ट है, उनमें मतलब मुझे प्रोफेशनल मुझे तुर्की जी मतलब जी को आर्किटेक्ट है वो वणंदो है। आर्किटेक्चर में सिलेक्ट कियो बिल्डिंग्स अड़ी कोई कई पर मतलब डिजाइन है वह बेस्ट है वर्ल्ड में हिंसा तुर्की सभी डिजाइन जी तुर्की में थी। अच्छा, जैसे पाकिस्तान में आर्किटेक्ट थी था वो तो पाकिस्तान ला सोचो तेन में कड़ी शाइन कड़ी किस्म की बिल्डिंग्स इतने जदीद का जदीद न्यू डिजाइन्स जो अजकल यूएई में ठहन थी। एंट्री टेस्ट में कड़े कड़े सब्जेक्ट की तैयारी कराया और केतरा पुर उम्मीद आयो? सर मां तैयारी तो थोड़ी घनी की आर्किटेक्ट जी, पर इंशाल्लाह थी विंदो अला में उम्मीद है। मुझे नालो बिस्मा है, आई मुझे डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद है। अच्छा बिस्मा, हते ता केड़े सब्जेक्ट जी टेस्ट जणा आया हो, ऐ हन इंजीनियरिंग मेडिकल ऐ बिन फील्ड्स के छड़े हेडे ता जो छो शौक थयो? छो जे के मुझे शुरू का आर्ट्स में इंटरेस्ट होयो, ऐ आर्ट्स की सुठी फील्ड आ, मतलब कि गर्ल्स लाइ टेक्सटाइल डिपार्टमेंट मां समझानी सुठो आ, उन लाइ मां टेक्सटाइल में अप्लाई करण थी चाहियां। अच्छा, टेक्सटाइल डिजाइन में तहां केनियूं शयूं तां अगते हली करण चाहियो था, केनियूं शयूं वणंदियूं आहिनि टेक्सटाइल जूं तां? टेक्सटाइल में त जाम कुझु करे सघूं था, टेक्सटाइल में बुटिक्स खोले सघूं था, त इन में जाम कुझु आहे टेक्सटाइल में, त इन खे मां टेक्सटाइल में अप्लाई करण थी चाहियां। अच्छा, उन में ॾिसो न, असां मुख़्तलिफ़ कल्चर टेक्सटाइल में मुख़्तलिफ़ ड्रेसिंग्स ठाहे सघजनि थियूं, तव्हां असां कल्चरल जेके ड्रेसिंग्स आहिनि उन हवाले सां छा चवंदो, उन्हनि में कहिड़ी जिदत आणणु चाहियो था? बस जे हाँ जड़े किस्म जो माहौल हों, मतलब हर किस्म जी इंसान आ, हर किस्म की ड्रेसिंग पाई तो यो याद है टेक्सटाइल में, मतलब अस हर किस्म की ड्रेसिंग ठाकुर जी हर कोई मानू पानी पसंद जी अचे वठी है, मतलब पाए।
अच्छा वो माना तहां पंजे फ्यूचर लाइ छा सोचो हाने ताई सिलेक्शन जकरे हे अस उम्मीद है ताई सिलेक्शन थी वने जकरे सिलेक्शन थी वने थी अगते छा सोचो थो पंजे फ्यूचर जे बारे में कोम ए मुल्क लाइ छा सोचो थो पंजे मानु लाइ बेन छोकरे लाइ छा सोचो थो उनन के यो ही चांदासी त मतलब इते अचन अप्लाई करन आई मेहनत करन छो जे करे मतलब पढ़ाई जो को मानु करे तो उनन जी इज्जत भी हुंदी आ घर में वेही तो कुछ भी ना है बस करन अप्लाई छोकरी लाए ये आर्ट जी पढ़ाई केतरी जरूरी है ता छा था समझो आर्ट जे हवाले से सिर्फ मा यो ही समझा दी ता आर्ट्स उनन लाए बेहतर आ स्पेशली गर्ल्स लाए टेक्सटाइल फील्ड या यो आर्ट्स मुझे ख्याल में बेहतर आ उनन लाए व्यूअर्स असा सा इन वक्त सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्ट एंड डिजाइन मेहरान यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर मोहम्मद यूनुस कांग्रेस साहब जन गडा अचो तो उन्हें पुछू था तो साई जन जो बार की सीटिंग अरेंजमेंट है जो सीट नंबर्स अलोकेशन है विरासत है वह कि कई है इन रिजल्ट कि इंटरव्यूज किंदा यो थोड़ा प्रोसीजर साई जन का पुछू था तो जो बेन नौजवान के बेन हवाले से आगाही दई सकूँ जी साई महरबानी साई साई असा इतने तकरीबन टे ढी टेस्ट शुरू थे पैरियाँ अस कम स्टार्ट कर छींदा मुख्तलिफ़ किस्म जो एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटीज़ असा ठाईंदा आहियूं जंहिंमें मैनेजमेंट जो कमेटीज़ हूंदियूं आहिनि इन्वेजिलेशन जो कमेटीज़ हूंदियूं आहिनि उन्हनि कमेटीज़ खे मुख़्तलिफ़ क़िस्म जूं टास्क ॾिनियूं वेंदियूं आहिनि जेके हिन टेस्ट खे ट्रांसपेरेंट नमूने सां थियण में काफ़ी मददगार साबित थींदियूं आहिनि टेस्ट जे थियण खां पोइ असां हिकिड़े ॿिनि ॾींहनि जे अंदरि कोशिशि कंदा आहियूं त जेको हिन टेस्ट जो रिज़ल्ट आहे उहो अनाउंस करे छॾींदा आहियूं जेको असांजे वेबसाइट ते अवेलेबल हूंदो आहे ऐं इहो हूंदो आहे त जेका फाइनल मेरिट लिस्ट इशू थींदी आहे उन खां पहिरियां असां इंटरव्यू कंडक्ट कंदा आहियूं इंटरव्यू कंडक्ट करण खां पोइ असां हिकिड़े खां ॿिनि ॾींहनि जे अंदरि पंहिंजे कमेटी जे थ्रू अप्रूवल वठी करे असां उहो रिज़ल्ट अपलोड करे छॾींदा आहियूं अच्छा हीअ जेके सीट्स एलोकेशन आहे इहा ॿारनि खे कीअं कई वई आहे इन हवाले सां तव्हां कहिड़ो प्लान रखियो असांखे त हिते डिफरेंट सीटिंग अरेंजमेंट ॾिसण में अचे थी ॿियनि जनरल यूनिवर्सिटीज़ में जीअं थींदो आहे तक़रीबन सीटिंग अरेंजमेंट स्ट्रेट हूंदी आहे त राउंड तव्हां कई आहे त इन जो छा रीज़न आहे को स्पेशल रीज़न आहे इन जो राउंड सीटिंग अरेंजमेंट्स असल में असां वटि जेको टेस्ट आहे उहो ॿिनि सेक्शन्स ते मुश्तमिल आहे जेको पहिरियों सेक्शन आहे उहो राइटिंग सां तालुक रखे थो उन में ॿारनि खां सिर्फ़ु लिखायो वेंदो आहे जॾहिं जेको ॿियो सेक्शन आहे उन में ॿारनि खां फ्री हैंड ड्रॉइंग स्केचिंग वग़ैरह कराई वेंदी आहे उन लाइ लाज़िम हूंदो आहे त को असां अहिड़ो सर्कल ठाहियूं जंहिंमें ॿार कंहिं विच सेंटर में रखियल ऑब्जेक्टिव खे कंहिं हिकिड़े एंगल खां सुठे नमूने सां ॾिसी सघनि उन जे करे असां हीअ सर्कल्स ठाहिया आहिनि ऐं सर्कल्स में वरी ब्लॉक ठाहिया आहिनि ऐं हर ब्लॉक में 34 ॿार तव्हां असांजी जेका ॻाल्हि ॿोल आहे उहा मुख़्तलिफ़ अमलदार जेके आहिनि जेके शागिर्द आहिनि शागिर्दाणियूं आहिनि हिते एंट्री टेस्ट ॾियण आया आहिनि या जेके इंतिज़ामी अमलदार हिते पंहिंजूं ड्यूटियूं सर अंजाम ॾेई रहिया आहिनि या उन्हनि जा वालदेन जेके हिते उन्हनि सां गॾिजी आया आहिनि पंहिंजे औलाद लाइ मुख़्तलिफ़ ख़्वाब खणी आया आहिनि उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो जारी आहे पर हिन वक़्तु वक़्तु आहे ब्रेक जो ब्रेक खां पोइ अची ॻाल्हियुनि जे सिलसिले खे वरी अॻिते वधाईंदासीं असां सी एड डिपार्टमेंट में इन करे सी एड माना इंस्टीट्यूट में इन करे आया आहियूं छो जो असांजो पंहिंजो इंट्रस्ट आहे टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में टेक्सटाइल लाइनर अहिड़ी फील्ड आहे हिकिड़ी क्रिएटिव फील्ड आहे हिते न को बर्डन आहे पढ़ाई जो न कंहिं शइ जी घणी घिमा घेमी आहे सुठो माहौल आहे सुठी तरह सां हिते पढ़ाई थी सघे थी क्रिएटिव वर्क आहे टेक्सटाइल डिज़ाइन में ॾिसो मुख़्तलिफ़ शयूं अची वञनि थियूं कपिड़ा अची वञनि था उन डिज़ाइनिंग अची वञनि थी उन जे हवाले सां तव्हां छा सोचो आहे कहिड़ा माना तव्हां कुझु प्लान्स त ठाहिया हूंदा न तव्हां छा करणु चाहियो था हिन फील्ड में हा त जीअं कपिड़नि ते डिज़ाइनिंग थींदी आहे ऐं मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जूं डिज़ाइनिंग्स हूंदियूं आहिनि इहो बि क्रिएटिव वर्क आहे माण्हू कुझु इन्हनि ते बि कमु करे अॻियां इलाही मुस्तक़बिल में वधी सघे थो अच्छा हूअं तव्हां हिकु छोकिरीअ लाइ हीअ टेक्सटाइल जी फील्ड कीअं था ॾिसो त हिन फील्ड में छोकिरी छो अचे हिन फील्ड में कहिड़ो चाम आहे हिन फील्ड जी कहिड़ी ख़ूबसूरती आहे जो छोकिरी हेॾे अचे हिन फील्ड में पंहिंजो मुस्तक़बिल ठाहे हिन फील्ड में चाम ई आहे ई छोकिरियुनि जे लाइ छो जो टेक्सटाइल डिपार्टमेंट सूट ई हमेशह छोकिरियुनि ते कंदो आहे जीअं त हू ड्रेसिंग जे अॼुकल्ह त ड्रेसिंग जे लिहाज़ खां मुख़्तलिफ़ डिज़ाइन्स अची वियूं त जीअं हू पंहिंजा कपिड़ा पाण डिज़ाइन करे सघे थी ऐं हू एबल थी वेंदी आहे पंहिंजी डिज़ाइन ॿियनि खे विकिणण जे लाइ ऐं हू खोड़ सारी डिज़ाइन्स पाण बि डिज़ाइन करे सघे थी कंहिं फैक्ट्रीज़ खे ॾेई सघे थी त फीमेल हिन आई थिंक हिन डिपार्टमेंट में फीमेल इलाही अॻियां वञी सघे थी अच्छा तव्हां ऐं ॾिसो सखर जी ॻाल्हि कई त तव्हां सखर खां हिते अचो पिया त सखर खां हिते अचणु हिते रहणु हिकु छोकिरीअ लाइ माना एॾो अॼु जे दौर में एॾो इशू त न आहे पर पोइ बि जनरल असां जंहिं सोसाइटी में रहूं था अहिड़ा थोरा घणा इशूज़ आहिनि तव्हांजो छा प्लान आहे फ्यूचर जो अॻिते हली कीअं रहंदो छा कंदो स्टूडेंट लाइफ कीअं गुज़ारींदो
न इतने अचर हर कोई इतने पढ़ाई लाए अचे तो अजकल त छोकरा छोकर पा में कुल्हो कुल्हे से मिला हलन था त इवन छोकर घट ना छोकर भी छोकर से मुकाबलो कर हली सी इवन हजारे स्टूडेंट्स फीमेल हैं जो पढ़न था अड़ो कोई इशू ना। माई नेम इज डॉक्टर मारवी एंड आई केम फ्रॉम मोरो बट नाउ डेज आई केम फ्रॉम हैदराबाद एंड आई एम वर्किंग एज अ मेडिकल ऑफिसर इन AKU एंड मैं अभी सिस्टर के साथ आई हूँ। मेरी छोटी सिस्टर है, उसको मैंने ज़बरदस्ती इंटर में ही जो है मेडिकल की तरफ कहा था कि तुम मेडिकल में आओ क्योंकि मेरी फैमिली में कोई भी मेडिकल में नहीं आ रहा, तो इस वजह से मैंने उसको कहा कि आप एनी हाउ आपको डॉक्टर बनना है, लेकिन उसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं हुआ। उसने फर्स्ट अटैम्प्ट उसने एक तो दिया नहीं, अब सेकेंड अटैम्प्ट में भी वो कह रही है कि मुझे नहीं जाना, पढ़ाई नहीं कर रही, कुछ भी इंटरेस्ट नहीं शो कर रही। तो इस वजह से उसका जो शौक है वो आर्ट्स की तरफ है, तो इस वजह से यहाँ पे मैं मजबूरी में उसको लेकर आई हूँ। हालांकि मेरा ऐसा कोई SH उसकी तरफ ये नहीं है कि मैं इसको आर्ट्स में करूँगी या क्या, लेकिन सेकंड उसका मतलब दूसरे साइड पे हम उसको करेंगे, मेडिकल में ही उसका है ज़्यादातर। तो अच्छा देखिए, मैं आपसे ये बात नहीं कर रहा कि जो उनको आर्ट्स में ही लेके आएँ या उनको इंजीनियरिंग में ही लेके या मेडिकल में लेके जाएं, मगर ये तो दुनिया वाइब्रेंट हो चुकी है। आप खुद डॉक्टर हैं, आपको पता है कि तकरीबन आजकल जो करियर काउंसलिंग के हवाले से इतने सेमिनार्स इतने प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें इसी चीज़ पर इंसिस्ट किया जाता है कि बच्चा जो जाए पेरेंट्स को उसी तरफ उसको ले जाना चाहिए कि वो वहाँ एक्सपर्टीज हासिल कर सकता है, एक्सपर्ट बनेगा, वहाँ तालीम तो हासिल कर लेगा, डिग्री तो लेगा। तो आप इस चीज़ को कैसे देखती हैं अपनी सिस्टर के हवाले से? मतलब अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि जो है ना मैं गलत हूँ और मुझे यही सोचना चाहिए कि वो किस तरीके से खुद सोच रही है, मतलब उसको किस चीज़ में वो परफेक्ट है। अगर वो इस चीज़ में आर्ट्स में अगर वो परफेक्ट काम कर सकती है तो मैं उसको उसी में ही लेकर जाऊँ। ये नहीं है कि ज़बरदस्ती आप जिस फील्ड में जाना चाह रहे हो और ज़बरदस्ती पेरेंट्स कह रहे हैं या सिब्लिंग्स कह रहे हैं कि आप इस फील्ड में आओ, तो ऐसा नहीं है। आजकल की जो यंग जनरेशन है उस पर हम ज़बरदस्ती कर ही नहीं सकते। पहले होता था कि अगर पेरेंट्स कह रहे हैं कि आप जा रहे हो इस फील्ड में या हम उसको कह रहे हैं कि मेडिकल में जाओ तो चले जाते थे, लेकिन अब यही तो वजह है ना। अभी देखें ज़बरदस्ती करते भी थे तो अभी देखें अब कई लोगों ने डिग्रियां भी ले ली हैं, अच्छे अच्छे अफसर भी बन गए, मगर जो हमारे जो खाते हैं जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं वो खाली लगे पड़े क्योंकि वहाँ एक्सपर्ट्स नहीं हैं। अगर आजकल जो यंग जनरेशन है उनमें एक्सपर्ट लग रहे हैं, फोटोग्राफी हम फजूल चीज़ समझते थे मगर आज फोटोग्राफी की क्या अहमियत है आप खुद देखती हैं, ठीक है। वीडियोग्राफी को हम ऐसे ही शादियों के लिए इस्तेमाल करते थे मगर आज उसकी क्या अहमियत है आप खुद देख सकती हैं। वो तो सही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारी गवर्नमेंट है पाकिस्तान में इतनी अहमियत नहीं दी जाती इन चीज़ों की। जिस चीज़ का स्कोप है, जिस चीज़ का मतलब जिस चीज़ को अहमियत दी जाती है उसी की तरफ ही लोग जाते हैं, क्योंकि बेसिक मसला ये हो गया कि आफ्टर ग्रेजुएशन जॉब्स नहीं है। जॉब्स के लिए ही लोग ज़्यादातर यही चाहते हैं कि हम ग्रेजुएट होकर भी हम किसी न किसी चीज़ में हम लगे रहें। ये नहीं कि हम ये गवर्नमेंट को एक बनाना चाहिए, गवर्नमेंट सेटअप हमारा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इस वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अब इनको सॉल्व भी हमें खुद ही करना है। अच्छा एज अ डॉक्टर में आपने अपनी सिस्टर के हवाले से तो बताया, एज अ डॉक्टर आप अपनी जो सोसाइटी है उसको कैसे सर्व करती हैं, सोसाइटी को कैसे सर्व करना चाहती हैं? मतलब मैं अपने अगर अपने व्यूज़ बताऊंगी तो मैं तो एज अ डॉक्टर पेशेंट के साथ एक तो कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, वर्बली आप किस तरीके से आप बिहेव कर रहे हैं उनके साथ, एक सॉफ्ट बिहेवियर हमारा होता है कि हम किस तरीके से उनके साथ बात कर रहे हैं, या एक ये होता है कि हम उनको कैसे मैनेज कर रहे हैं, एक कम्युनिकेशन ही होती है जिसके थ्रू हम उनको कर सकते हैं। जी मेरा नाम मरियम शाह है, हम हैदराबाद से बिलोंग करते हैं, हम लतीफाबाद यूनिट नंबर 6 में रहते हैं। अच्छा मरियम आप आज यहाँ किसके साथ आई हैं और आप खुद क्या करती हैं वैसे? मैं खुद पढ़ती हूँ, मैं अपनी यहाँ बहन के साथ आई हूँ, वो CED में स्टूडेंट है आर्किटेक्चर की 15 बैच से। अच्छा यहाँ एंट्री टेस्ट के हवाले से कैसे आई हैं, किसके साथ आई हैं, एंट्री टेस्ट किसकी है आपकी, किस रिलेटिव की है? मेरी कजन का एंट्री टेस्ट है। अच्छा उनका किस में शौक है? कजन ने आपको बताया होगा ना मैं फलां फील्ड के लिए जा रही हूँ, और ये आर्ट का आर्ट की फील्ड का आपको क्या पता है उनके हवाले से? हमारे दो कजन्स टेस्ट दे रहे हैं, एक का कम्युनिकेशन डिज़ाइन से लिंक्ड है और एक का फाइन आर्ट से, तो दोनों हम ड्राइंग से बहुत कमिटेड हैं, उनको पसंद है ड्राइंग करना, इसलिए वो इस CED में आना पसंद करते हैं। अच्छा यहाँ आप जो बैठी हैं यहाँ पेरेंट्स हॉल है, पेरेंट्स के लिए यहाँ एग्जीबिशन भी लगाई गई है, एक छोटी सी एग्जीबिशन है और यहाँ वीडियोस उनको दिखाई जा रही हैं, तो आप ये माहौल ये जो एटमॉस्फेयर है एनवायरमेंट इसको कैसे देखती हैं, ये एनवायरमेंट आपको कैसा लग रहा है, यहाँ पेरेंट्स की सीटिंग अरेंजमेंट, ये एग्जीबिशन, ये अंदर वीडियोस जो उनको दिखा रहे हैं? ये यहाँ का एनवायरमेंट माशाल्लाह बहुत अच्छा है, यहाँ पे बहुत एंजॉय करते हैं, मतलब सबसे को बहुत मज़ा आ रहा है, और ये स्पेशली ये जो इनका आर्ट है ये बहुत पसंद किया मैंने।
वेयर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्ट एंड डिज़ाइन मेहरान यूनिवर्सिटी में अॼु जेका आर्ट जे मुख़्तलिफ़ शोबनि जे हवाले सां इंट्रोड्यूस थी रही आहे। उते असांजे मुख़्तलिफ़ शागिर्दनि शागिर्दाणियुनि उन्हनि जे वालदेन ऐं इंतिज़ामी अमलदारनि सां ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो जारी आहे, पर हिन वक़्तु खां ब्रेक जो ब्रेक खां पोइ अची ॻाल्हियुनि जे सिलसिले खे वरी अॻिते वधाईंदासीं। वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक ते वञण खां अॻु में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्ट एंड डिज़ाइन मेहरान यूनिवर्सिटी जी एंट्री टेस्ट में मुख़्तलिफ़ शागिर्दनि शागिर्दाणियुनि उन्हनि जे वालदेन ऐं हिते इंतिज़ामी अमलदारनि सां असांजी ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो जेको जारी हो, अचो त ॻाल्हि ॿोल जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं। व्यूअर्स, हिन वक़्तु असां सां मेहरान यूनिवर्सिटी जा डायरेक्टर फ्रांस इंजीनियर मुनीर अहमद शेख साहब जन गॾु आहिनि। अचो त साईं जन खां पुछूं था त हिन इदारे में जेके मुख़्तलिफ़ एक्टिविटीज़ थियनि थियूं या हिन इदारे में एंट्री टेस्ट खां अलावा जेके मुख़्तलिफ़ फैसिलिटीज़ आहिनि उहे कीअं आहिनि ऐं शागिर्द उन मां केतिरो फ़ाइदो वठनि था? जी साईं, महिरबानी। ऐं सभ खां पहिरीं हिन इदारे जी जेका तारीख़ या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ते अर्ज़ करियां, ही मुंहिंजे ख़्याल में 99 या 2000 जी ॻाल्हि आहे, जॾहिं फेडरल गवर्नमेंट जो प्रोजेक्ट हो कॉलेज ऑफ आर्ट्स जो हो ऐं उहो सिंध यूनिवर्सिटी खे मिलियो हो, तव्हां फंडिंग आई हुई ऐं कुझु साल उन्हनि ठीकु ठाक फंडिंग कई, पर ही जो आर्ट्स कॉलेज हली न सघियो कुझु सबबनि जे करे, ऐं दे वर जस्ट वाइंडिंग दिस प्रोजेक्ट। पोइ असांजी मेहरान यूनिवर्सिटी जी असां वियासीं हिकिड़ी उते जी मीटिंग हुई, ॿिया बि असांजा कुझु इशूज़ हुआ, त मेहरान जी परफॉर्मेंस ॾिसी एच ई सी जे कंहिं माण्हू उते चयो त छो न असां ही इहो मेहरान यूनिवर्सिटी खे ॾियूं। पोइ हुननि उन में मेहरान जी रिलीवेंसी ॾिठी त थोरी आर्किटेक्चर सां असांजी रिलीवेंसी मिली पई। पोइ सेंटर ऑफ आर्ट्स एंड साइंस जे नाले सां, आर्ट्स एंड डिज़ाइन जे नाले सां हिननि मेहरान खे ॾिनो ऐं उन खां फंडिंग उनजी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जे हिसाब सां थी। कॉलेजनि जी यूनिवर्सिटी जी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो हिकिड़ो पंहिंजो सेटअप हूंदो आहे, फंडिंग हूंदी आहे। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हिननि ॾिनो, पर उन टाइम ते कंहिंखे सोच न आई त हिन जी फंडिंग कीअं थींदी। एच ई सी लेवल ते, फेडरल गवर्नमेंट लेवल ते छा हूंदो आहे, जो यूनिवर्सिटी जी जेका फंडिंग हूंदी आहे उन में अंडर ग्रेजुएट हूंदा आहिनि, पोस्ट ग्रेजुएट हूंदा आहिनि, पी एच डी हूंदा आहिनि, उन जे इनरोलमेंट जे हिसाब सां फंडिंग थींदी आहे। जॾहिं त सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जेके हूंदा आहिनि उन्हनि में बैचलर डिग्री हूंदी कान्हे, उन में सॼी फंडिंग हूंदी आहे पोस्ट ग्रेजुएशन खां पोइ जी, एम फिल ऐं पी एच डी जी। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस त ठही वियो, एॾां त कंहिंजो तवजो ई कोन थियो। हाणे जेका ब्लॉक एलोकेशन हुई फेडरल गवर्नमेंट जी, उन मां जेका बि फंडिंग आई थिए उहा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वारी आई पई, जेका तमामु घटि आहे, अॼु ताईं बि उहा ई पई अचे। ऐं अंडर ग्रेजुएट वारो फैक्टर हिन इदारे खे पहिरीं ॾींहं खां वठी न मिलियो। पोइ इहो केतिरो इफेक्ट करे थो हिन कंडीशन, जेका हाणे ॿ हज़ार चारि ॿ हज़ार पंज में फंडिंग थी, अॼु बि उहा पई थिए, त हिन इफेक्ट केतिरो थो थिए फैसिलिटीज़ ते, ॿारनि ते, उन्हनि जे फ्यूचर ते? न, बिल्कुलु हुन ते इहो पए थो, छाकाणि त हुन में पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल ते जेके बि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आहिनि, केमिस्ट्री जो, फिज़िक्स जो, ॿियनि जा सॼे पाकिस्तान में आहिनि, उते स्टूडेंट जो नंबर को 40-50 मस हूंदो आहे, 100 त वॾी ॻाल्हि आहे। हिते जो नंबर ऑफ स्टूडेंट माना अबो 100 आहे, उहो बि हिकिड़ी बैच में टोटल माना 400 ऐं ॿिया मिलाए 450 या 500 जा हिननि जी आहे। उन ते हिननि खे जेका फंडिंग मिले थी, इहो हिननि खे जस हुजे जो हिन हलाइनि था, ऐं हिन इदारे खे फंडिंग जी मतिलबु जेका ऑप्टिमम फंडिंग जेका अंडर ग्रेजुएट लेवल ते अचे उहा मिलंदी त ही अॻियां वधंदो, न त प्रॉब्लम में अची वेंदो। हिन वक़्तु बि छा आहे, हिकिड़ो त मैनेजमेंट खे जस हुजे जेका हुनखे हलाए पई, हर साल जी डेफिसिट थिए पई, काफ़ी इसेंशियल कम न पिया थियनि, उनजे करे छा थो थिए, काफ़ी शयूं स्टूडेंट जा पेरेंट्स इहो स्पॉन्सर था कनि, उन्हनि जी कंट्रीब्यूशन आहे। मुंहिंजी नियाणी ख़ुदि हिते पढ़े थी, त हिकु हिकु प्रोजेक्ट ते लख लख रुपया पेरेंट्स भरीनि था, छाकाणि त गवर्नमेंट ॾेई कान थी, हिकिड़ो जनरल फीस ॾींदे उन खां पोइ, ऐं ही आर्ट्स एंड डिज़ाइन जी जेका एजुकेशन आहे सा एॾी सस्ती कान्हे, हिन में तमामु घणी कॉस्ट आहे, प्रैक्टिकल जी, उनजे मटीरियल जी, उनजे कलर जी, ॿियूं शयूं आहिनि, उहे हिननि वटि फैसिलिटी जॾहिं फंडिंग ई कान्हे त किथां थींदी, उन करे हर ॿार पंहिंजे घर में पाण थो करे। ऐं उन खां पोइ तव्हां ॾिसो डिमांड केतिरी आहे,
हिकड़ो त जॉब त पंहिंजी जॻहि ते आहे, बिल्कुलु इन्हनि जे डिसिप्लिन में हर जॻहि ते जॉब आहे। ॿियो ही जेकी डिसिप्लिन आर्ट्स एंड डिज़ाइन जा आहिनि, इहे शख़्सियत खे बि उजागर कनि था, ख़ासि तौर ते नियाणियुनि खे हिकिड़ो घर जो ॾांहुं, आर्ट्स जो ॾांहुं। आम छोकिरी ऐं आर्ट्स एंड डिज़ाइन जी छोकिरी जे घर हलाइण में, हुन जे एप्टीट्यूड में, हुन जे घर सवारण में, इंटीरियर डिज़ाइन में, हुन जी लुक में, हुन जी अप्रोच में ज़मीन आसमान जो फ़र्क़ु आहे। व्यूअर्स, हिन वक़्तु असां सां शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, खैरपुर कैंपस मेहरान यूनिवर्सिटी जे खैरपुर कैंपस जा प्रो वाइस चांसलर इंजीनियर ग़ुलाम सरवर कंदर साहिब जन गॾु आहिनि। अचो त साईं जन खां पुछूं था त हिते जेका एंट्री टेस्ट थी रही आहे उन हवाले सां साईं जन विज़िट कयो आहे त इंतिज़ाम कीअं लॻा आहिनि ऐं आर्ट जे शोबे जो फ्यूचर साईं कीअं था ॾिसनि, हिते जेके मुख़्तलिफ़ शागिर्द पाकिस्तान ऐं मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि खां अचनि था उन्हनि जे हवाले सां। जी साईं, असांजो छाकाणि हीउ एस्टेब्लिश सिस्टम आहे ऐं हीअ का नई एंट्री टेस्ट अॼु कोन थी थिए, केतिरनि सालनि खां वठी गुज़िरियल, मुंहिंजे ख़्याल में हिन 10 सालनि खां वठी हिकु एन सी हिते एंट्री टेस्ट ऐं तमामु सुठे नमूने सां इंतिज़ामात आहिनि ऐं इहो हिकिड़ो एस्टेब्लिश थी वियो आहे मेहरान यूनिवर्सिटी जो सिस्टम ऐं उनजी क्रेडिबिलिटी बि आहे ऐं सो उन में को शक ई कोन्हे को त को कंहिं माण्हूअ खे का तकलीफ़ का ॻाल्हि कमु या शागिर्दनि खे ऐं इंतिज़ामात बि डायरेक्टर साहब तमामु सुठे नमूने सां कया ऐं असां सेटिस्फाइड आहियूं एज़ ए विजिलेंस कमेटी। हिते जेके ॾिसो जेके मुख़्तलिफ़ स्टूडेंट्स आहिनि, मुख़्तलिफ़ फील्ड्स हिते मौजूदु आहिनि, तव्हां पाण एक्सपीरियंस्ड माण्हू आहियो त मार्केट जे हिसाब सां हिननि फील्ड्स जो स्कोप कीअं था ॾिसो? अदा अॼुकल्ह स्किल जो दौरु आहे ऐं उहो स्किल जंहिं माण्हू वटि आहे ऐं हीअ त जेके बि जेके डिसिप्लिन्स आहिनि हिते, जेके टेक्सटाइल आहे, आर्ट आहे, फाइन आर्ट आहे, कम्युनिकेशन आहे ऐं उहो हिन कम्युनिकेशन जे दौर में जेके आहिनि से एॾी अफ़ादत आहे हिन कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट जी या टेक्सटाइल डिज़ाइन जी ऐं हिन जी ईवन फाइन आर्ट्स जी आर्किटेक्चर जी जेके आहिनि ऐं हिननि में असांजे जेके आहिनि से शागिर्दनि में उहो जेको आहे रुझान जेको आहे अॻ में जेको उहो हूंदो उहो हाणे बिल्कुलु बि मां हिन तरफ़ डाइवर्ट थिया आहिनि त असां पंहिंजे जेके आहिनि से प्राइवेट सेक्टर में वञी करे पंहिंजी स्किल खां सिखी करे पंहिंजे रोज़गार सां लॻूं ऐं ही 13 साल थी विया आहिनि हिन सेंटर खे ऐं उनजो वजूद उनखे ई सम्झो मां हिनखे पंहिंजो बेबी करे सम्झंदो आहियां छाकाणि जो हिनजे हिन इदारे खे ठाहिण में वॾो मुंहिंजो किरदारु आहे। सो आउं हर हमेशह चाहींदो आहियां त हिन जी जेके बि एक्टिविटीज़ आहिनि उन में आउं शामिलु थियां ऐं हिननि खे शागिर्दनि खे, उस्तादनि खे ऐं हिन मैनेजमेंट खे जेतिरो इनकरेज कजे उहो एतिरो सुठो आहे। व्यूअर्स, हिन वक़्ति सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्ट एंड डिज़ाइन मेहरान यूनिवर्सिटी में जेका एंट्री टेस्ट थी रही आहे उते हिन इदारे जा डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर भाई खान शर साहब जन गॾु आहिनि। अचो त साईं जन खां पुछूं था हीअ जेका इंजीनियरिंग, मेडिकल ऐं जनरल यूनिवर्सिटीज़ खां हटी करे जेका टेस्ट थिए थी उनजो छा फॉर्मेट हूंदो आहे ऐं हिते जेके शागिर्द आया आहिनि सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि खां, पाकिस्तान जे मुख़्तलिफ़ सूबनि खां आया आहिनि, उन्हनि खे कहिड़े क़िस्म जूं फैसिलिटीज़ हिते प्रोवाइड कयूं वञनि थियूं ऐं हिन फील्ड में साईं जन उन्हनि जो मुस्तक़बिल कीअं था ॾिसनि? जी साईं, महिरबानी। असल में जीअं तव्हां ॿुधायो वियो त हिते जेके कैंडिडेट्स आयल आहिनि उहे सॼे मुल्क मां आयल आहिनि ऐं उन में असांजी जेका कोटा आहे उन में सिंध जी कोटा अलॻि आहे ऐं उन खां पोइ पंजाब, बलूचिस्तान, KPK ऐं ॿिया जेके आहिनि फाटा ऐं नॉर्दन एरियाज़, फेडरल कैपिटल, इन्हनि सभिनी जूं जेके आहिनि अलॻि अलॻि आहिनि कोटा आहे ऐं हिते अॻु में असांजो हूंदो हो त असां मुख़्तलिफ़ सेंटर्स में कंदा हुआसीं पर पोइ असां ॾिठो त उन छाकाणि रिज़ल्ट आणण में काफ़ी देरि पई थी ऐं उन में जेका उहा जेका सीक्रेसी हुई या उन में जेका मेरिट हुई उन में शायदि असां एॾी मैनेज कोन पिया करे सघूं त उन जे करे असां उहो सभिनी खे हिन वक़्तु कुझु मतिलबु सालनि खां असां सभिनी खे हिते था घुरायूं पिया सेंटर ते ऐं उन खां पोइ ही जेका फील्ड आहे आर्ट एंड डिज़ाइन जी उन जी जेका अफ़ादियत आहे उन जो जेको आहे इम्प्लॉयमेंट वारी जेका अफ़ादियत आहे उहा कुझु थोरी डिफरेंट क़िस्म जी आहे। हिते असां वटि जेके कैंडिडेट्स जेके ग्रेजुएट थियनि था पिया इन्हनि सभिनी फील्ड्स में जंहिंमें आर्किटेक्चर बि आहे, फाइन आर्ट बि आहे, कम्युनिकेशन डिज़ाइन, टेक्सटाइल डिज़ाइन, त उन में उन्हनि जा जेके एंटरप्रेन्योरशिप जा जेके चांसिस हुजनि था या उन्हनि जी जेका रियल फील्ड आहे उहो एंटरप्रेन्योरशिप आहे, माना उन्हनि खे कॾहिं बि बर्डन कोन्हे थियणो कनि ॿियनि इदारनि ते या गवर्नमेंट ते।
हू असल में पा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करण की जी स्किल्स एबिलिटीज जो इतने बिल्ड कर वा पा तो उनके कर एंगल से ऐसा खपे असेस करण खपे उन्नी असो पोयों रिकॉर्ड है जैमें अस इन वक्त जितनी बैजिस कढ़ी चुका हूं उनमें बिल्कुल एब्सोल्यूट मेजॉरिटी बार उनके बिजनेस या तो एस्टेब्लिश कर वरतान या उन प्रोसेस में आन वो प्रोसेस में ये होंद तो बया जी एस्टेब्लिश अग में ही इंस्टिट्यूशन्स इदारा या ऑर्गेनाइजेशन्स या फर्म्स तो उन में पैं इम्प्लॉयमेंट सी कहान जी उत उनके स्किल्स हुए उत लर्न कर वन यो पुछा तो हाँ जी एंट्री टेस्ट थी रही है इन ट्रांसपेरेंसी के हवाले से शफाफियत के हवाले से कड़ा स्टेप्स खड़ा तो एंट्री टेस्ट के किए शफाफ बणाइंदा कड़ी अश्योरिटी होंगी है इन मानन वटे कैंडिडेट्स वटे उन पेरेंट्स वटे हाँ यो मतलब असो काफ़ी सेंसिटिव इशू रो है हमेशा एक्ण तो अस फर्मली बिलीव था क्यों तो जो मेरिट है उनमें निकरदड़ बार ही इन मुल्क के लिए इन मुआरे के लिए इवन पाँ फैमिली के लिए कारामद थी सके तो उनके अस शुरू का वी इवन फॉर्म भरण का वी कर काफ़ी मुख्तलिफ जो फिल्टर्स उन्दान मिसाल तौर है तो कैंडिडेट पाँ पान फॉर्म भरे पाँ पान उस फॉर्म के साइन कर उन हर एक अस स्लिप इशू क्यों था तो इतने असि बाहर जो भी असो वेन्यू ठे तो उनमें अंदर कैंडिडेट्स का अलावा बया जी इतने इन में कम कन था पा जिनके मुख्तलिफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलल के इन्वेजिलेटर्स के मैनेजमेंट में आन उनवा कें भी इतने अंदर इंट्री को उन अस विजिलेंस कमेटी की टीम आफ़ी एक्सपीरियंस टीम है वह लुकआफ्टर कहती है जैमें जिनो सरबराह वाइस चांसलर हों यूनिवर्सिटी जो उन अस बन मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के इन्वाइट कर कदें पुटंडोजाम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के कदें क्वेस्ट नवाब शाह के वाइस चांसलर के इन्वाइट कर उन प्रोवाइस चांसलर डीन रजिस्ट्रार डायरेक्टर फाइनेंस ये सभी जो विजिलेंस कमेटी के मेंबर हूँ तो जी उन सभी शे के मेक श्योर कन भी उन्हें हमेशा गड रो आया तो असें यकीन हो हर शे ये थे पी उन असके इन्विजिलेटर्स उन्होंने अग में ही ट्रेनिंग होंगी माना उन्होंने ट्रेनिंग अस काफ़ी दफा छा पान हाँ कंदा रहूँ था उनके काफ़ी साल थी वन तो असोड़ो स्पेसिफिक एक्सपीरियंस भी एस्टेब्लिश थी है उनमें यो हों के अस इन्विजिलेटर्स ये समझो इम्यून हों इन शे का पैं जो उनको इंट्रैक्शन कैंडिडेट से उतने हो तमाम लिमिटेड हो तो सिर्फ पर्पजफुल हो तो जैसे को रियल क्वेश्चन है इन खा सवा इनफॉर्मल चैटिंग न पा में एतरी कर सकता न को वो कैंडिडेट्स वो इनफॉर्मल चैटिंग कदान तो उन हिसाब से असि मुस्तकिल विजिलेंस जो मथा रहे थी पी तो इन बो अस बिलीव था क्यों तो मेरिट अस पेरेंट्स के भी चवंदे तो इन में मेरिट के ही अस में कॉपरेट कन इन में जो मुख्तलिफ किस्म जे एप्रोचिज आन त कारगर को इतने तो वो सागो ही एडमिशन प्रोसेस में भी है सागो असो एग्जामिनेशन इन सभी प्रोसेस में है व्यूअर्स इन वक्त असा मेहरान यूनिवर्सिटी जा डीन आर्किटेक्चर एंड सिविल इंजीनियरिंग डॉक्टर गोसबश खासकली साहब जन मौजूद हैं जेके इन इदारे जा भी डीन हैं अचो तो साईं जन का पुछूं था उन एंट्री टेस्ट के हवाले से कड़ा इंतजाम कया आर्ट के शोबे में जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स उन्होंने शागिर्दन जो मुस्तकबिल या जो जॉब अपॉर्चुनिटीज आन उन हवाले से क्या था दिसन जी साईं अलहमदिल्ला असके इदारे में तकरीबन पोन दहन का वी बारह साल वी टेस्ट वगैरह करायू पा छोकर तमाम सुठो रिस्पॉन्स है कें जमाने में जितर सीटी होंद इन का भी घट बार अप्लाई कंदा हाँ कंदा जैसा लगे तो इनो सुठो मुस्तकबिल तेजे बार एतरा अचन था इन असाजे इन इदारे में अस अ नयू फील्ड्स खड़ी पा अच्छा जिनकी तमाम ढी है डिमांड अस उन केतरा कराची में हायर कंदा आयूं इंटीरियर डेकोरेशन में सेरामिक डिज़ाइन में तमाम महरानी से नओं जो असो एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है इन में इंटीरियर डेकोरेशन के लिए कराची में कंसल्टेंट हायर किया जिन उनके इंटीरियर डेकोरेशन के हिसाब से टच डिनी सो इन इदारे जो इन वक्त डीह भी डी डिमांड वी वे अस बार भी उन हिसाब से अचन था आई बिलीव तो तमाम सुठो ब्राइट फ्यूचर है तुम मार्केट में बुध हो था मुख्तलिफ कंपनीज मुख्तलिफ फील्ड्स या जो मार्केट डिमांडिंग जॉब्स जो फील्ड्स होंद उन हिसाब से क्या था ऐसो जो स्टूडेंट्स इतना निकरन था उन्होंने प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर में उन्होंने फ्यूचर क्या था गवर्नमेंट सेक्टर
में इन्हनि जो फ्यूचर एतिरो घणो डिमांडिंग कोन्हे। अलबत्ता प्राइवेट में हिन वक़्तु तव्हां रोड ते बि जेके हलो, जेके तव्हांखे साइंस मिलनि था, जेके तव्हांखे ॿियूं शयूं बि मिलनि थियूं, इहे सभु हिन इदारे जा जेके शागिर्द आहिनि उन्हनि जो ई कमाल आहे। उहे इन खे डिज़ाइन कनि था, जेके कम्यूनिकेशन डिज़ाइन में या इवन जेके टेक्सटाइल प्रिंटिंग में हिन इदारे जा जेके शागिर्द आहिनि उनजो तमामु सुठो जेको आहे मुस्तक़बिल आहे। आर्किटेक्चर प्लानिंग जेका हिन इदारे में आहे उहा महरान जे आर्किटेक्चर जे बराबरि ई कॉम्पिटेटिव आहे। ऐं साॻे वक़्तु हिननि जूं जेके फाइन आर्ट्स आहे उहो हिन वक़्तु असांजे सिंध जे हिसाब खां त तमामु टॉप ते आहे। एतिरे क़दुरु जो ॿाहिरि बि जेको आहे जो अली जाफरी आहे उन खे जेको आहे सो जर्मनी था वञिणो पियो आहे ऐं ॾींहं ॿिनि में उहो वञे पियो जेको आहे सो इंडिया। इन मां तव्हां अंदाज़ो लॻायो त जेका हिन जो एॾो मुस्तक़बिल न हुजे त एतिरो असांखे डिमांडिंग ऑफर्स छो थियनि। व्यूअर्स, तव्हां असांजो अॼु को प्रोग्राम ॾिठो। असांजे हिन प्रोग्राम ज़रिए सदाई कोशिशि रही आहे त सिंध जा जेके नौजवान आहिनि, मुल्क जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में जेके रहंदड़ नौजवान आहिनि, उन्हनि खे उन्हनि जे केरियर जे हवाले सां अहिड़ियूं अपॉर्चुनिटीज़ ॾेखारियूं जिन खां हू कॾहिं बि वाक़िफ़ कोन थी सघिया आहिनि। इन ई हवाले सां जीअं असां पास्ट में माज़ीअ में सिंध यूनिवर्सिटीअ में, मेहराण यूनिवर्सिटीअ में, लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी या सिंध जूं ॿियूं यूनिवर्सिटीज़ आहिनि उते जेके प्रोग्राम्स कयासीं, उते इंजीनियरिंग मेडिकल ऐं जनरल यूनिवर्सिटीज़ जे हवाले सां जेका इंफॉर्मेशन ॾिनीसीं, अॼु असां हिते कोशिश कईसीं त आर्ट जेका दुनिया जी तमामु हिकु ख़ूबसूरत फील्ड आहे पर असांजा केतिरा ई नौजवान इन शइ इन जी ॼाण खां इन जी सम्झ खां अणवाक़िफ़ हुआ। असां हिन प्रोग्राम ज़रिए उन्हनि खे ॼाण ॾियण जी कोशिशि कईसीं त जीअं हू आर्ट जे शोबे तरफ़ बि मुतवजु थियनि ऐं पंहिंजी ज़िंदगी में जेके हुननि खे महदूद अपॉर्चुनिटीज़ आहिनि उन्हनि खे वधीक कुशादो करे सघनि। इन प्रोग्राम ज़रिए अॼु असां तव्हांखे ॾेखारियोसीं त शागिर्द कहिड़े नमूने एंट्री टेस्ट ॾेई रहिया आहिनि, कीअं हुननि खे ब्लॉकनि में अंदरि मोकिलियो पियो वञे, कीअं हू पेपर उन्हनि में डिस्ट्रीब्यूट कया पिया वञनि, कीअं इन्वेजिलेशन थी रही आहे ऐं हिते जेके इंतिज़ामी अमलदार हुया उन हवाले सां बि उन्हनि सां बि ॻाल्हि ॿोल कईसीं त शागिर्दनि खे सहूलियतूं फराहम करण जे हवाले सां हुननि कहिड़ियूं कहिड़ियूं एफर्ट्स वरितियूं आहिनि त जीअं ई मुल्क जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि खां जेके शागिर्द अचनि था हिते पंहिंजे मुस्तक़बिल जा ख़्वाब खणी पंहिंजे वालदेन जूं उमीदूं सलाहड़े पाण सां गॾु हिते पहुचनि था त उन्हनि खे पंहिंजे मुस्तक़बिल जे हवाले सां कीअं फ़ैसिलो करणु खपे, केतिरी महिनत करणु खपे, कहिड़नि कहिड़नि सब्जेक्ट्स जी तयारी करणु खपे, इन हवाले सां बि असां शागिर्दनि सां बि ॻाल्हायोसीं, इंतिज़ामी अमलदारनि सां बि ॻाल्हायोसीं। उमीद आहे त सिंध जे या पाकिस्तान जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में जेके नौजवान रहंदड़ आहिनि, जेके यूनिवर्सिटियुनि में अचण जा ख़्वाहिशमंद आहिनि, जेके पंहिंजे मुस्तक़बिल जे हवाले सां अञा ताईं ग़ैर यकीन जो शिकार आहिनि, त उन्हनि खे पंहिंजी ज़िंदगीअ में हिकु वधीक फील्ड जो इज़ाफ़ो थी मिलियो आहे त हू इन ते बि ग़ौर फिकुर कंदा, इंजीनियरिंग मेडिकल आर्ट्स सां गॾु इंजीनियरिंग मेडिकल ऐं जनरल यूनिवर्सिटी सां गॾोगॾु हू आर्ट जे शोबे में बि पंहिंजी क़िस्मत आज़माई कंदा ऐं हिन में पंहिंजो मुस्तक़बिल ठाहिण लाइ कोशिशूं कंदा। प्रोग्राम जे बारे में का बि राय ॾियणु चाहियो था, स्क्रीन ते आयल असांजी ईमेल एड्रेस नोट करे वठो। ईंदड़ हफ़्ते वरी ॿिए मौज़ूअ सां गॾु तव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर थींदुसि। तेसि ताईं पंहिंजे मेज़बान लतीफ़ गाद खे ॾींदा इजाज़त। सदाई गॾु।